Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. I am Saidam Hudson Naqvi and you are watching my YouTube channel. आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 21 जुलाई ऑन थर्सडे. मुझे अभी नहीं पता कि मैं ये कब अपलोड करूँगी, लेकिन आज हम आए हैं यू ग्रेड की प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए. जो भी यू ग्रेड एलुमनाइज हैं या फिर जो लोग यू ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें ये पता है कि प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन कोविड के बाद से अभी तक ऑनलाइन होती आई थी. इवन वेलकम वर्कशॉप भी ऑनलाइन होती थी. तो ये हमारा फर्स्ट बैच है फॉल ग्रुप का, फॉल 2022 का, जिनकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन फिज़िकल हो रही है. तो इसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ पर हम आ चुके हैं मैरियट होटल इस्लामाबाद में. अब से कुछ ही देर में हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी. अच्छा जी, तो हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो चुकी है. मिस रीटा अख्तर ने हमें बताया प्रोग्राम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन के बारे में. फिर हमारे पास एलुमनाई पैनल डिस्कशन हुई, क्वेश्चन आंसर सेशन था, टी ब्रेक थी और जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो दी गई. फिर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले की गई, जो भी ग्रांटीज हैं फॉल 2022 के. ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से 16,000 एप्लीकेंट्स थे 2022 के लिए और फॉल में 50 जाएंगे. एजीके से सिर्फ 2 फीमेल सेलेक्ट हुई थी फॉल 2022 ग्रुप के लिए एंड आई एम वन ऑफ देम फ्रॉम मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. आई एम स्टडिंग लॉ इन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद डिनर का प्लान था, डिनर हुआ. डिनर की मैंने तो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की, ये मैंने कुछ फ्रेंड्स से ली थी. आइसक्रीम थी और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास सब चीज़ों की वीडियोस अवेलेबल नहीं है. उसके बाद हमारा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि मुझे कुछ सामान चाहिए था, लेकिन इस्लामाबाद में सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी. सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट और नहीं आती इंग्लिश बस इतनी थी. ठीक है जी. फिर हम टाइमली होटल वापस आ गए थे. ये है मैरियट होटल की एंट्रेंस. कुछ वीडियोस यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड की थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, सो आई एम अपलोडिंग हेयर नाउ. ये एक ह्यूज एक्वेरियम है. एंट्रेंस से थोड़ा ही आगे जाके यहाँ पर एक्वेरियम आता है और जब भी आप मैरियट होटल के बारे में सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये आपको ज़रूर वहाँ पर इसके बारे में भी बताया जाएगा. फ़ौरन से पॉपअप होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन भी निकल आएगी. तो ये एक बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत एक्वेरियम था, जो एक पूरी वॉल पे काफ़ी ह्यूज यहाँ पर बनाया गया है. फिर हम सब लोग अपने अपने रूम्स की तरफ चले गए और बाकी लोग तो पहले ही आगे चले गए थे, लेकिन चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो हम लोग पीछे रह गए. यहाँ पर हमारा रूम हमें मिला है 5th फ्लोर पे और ये हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ. वीडियो की स्पीड मैंने इंक्रीज़ की हुई है, इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा रिकॉर्डिंग. अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को अपना रूम टूर कराऊंगी. बेसिकली मेरे पास यहाँ पर कोई मोबाइल स्टैंड या कोई माइक वगैरह नहीं है, तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है. मैं इन सब मैं क्लिप्स में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं उन सब क्लिप्स को एट द एंड जो है ना एडिट कर लूँगी और पता नहीं वो क्या बन के निकलेगा. सो आप लोग बेयर करें, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट व्लॉग है आई थिंक, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ. शुरू होता है, ये डोर है, इसके साथ ही आयरन स्टैंड है और ये मेरा छाता पड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद में आते साथ ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. लेकिन अच्छा है, वेदर ठीक हो गया था. ये वॉशरूम और फिर ये हमारा प्यारा सा रूम. रूम हम सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि इट्स सो ब्यूटीफुल और स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पर हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये स्कॉलरशिप भी और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमें मिली. और ये सभी को पता है कि यू ग्रेड एक फुली फंडेड प्रोग्राम है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ हमें फ्री था. ये लॉकर भी था, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लॉकर में रख सकते हैं. अब मैं तो ज्वेलरी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, इसलिए लॉकर में हम डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं. जायनमाज भी यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि बहुत अच्छी बात है. बींग मुस्लिम्स हमें अपनी नमाज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए. और ये एक बहुत प्यारा सा कबर्ड था, यहाँ पर मेरी रूममेट का और मेरा सामान हम लोगों ने रख लिया था, क्योंकि बार बार बैग्स में से निकालना मुश्किल हो जाता.
Yep, this was our room. ये एक ओवरव्यू, मैंने दोबारा से एक रिकॉर्ड कर लिया था, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट रूम है। यूट्यूब वीडियो के चक्कर में ना मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स जो थी वो मैंने लैंडस्केप में कर ली थी, और बाद में मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाने के लिए कोई वीडियो मिली नहीं थी, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से मांग के ना लगाई थी इंस्टाग्राम पे वीडियो, क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। ये हमें मिला था मिनी बार, मिनी बार फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, और यहाँ पर कॉफ़ी के लिए केटल भी, इलेक्ट्रिक केटल, और दो दो कप्स भी थे। सारी चीज़ें क्योंकि ट्विन रूम था, ट्विन शेयरिंग था, तो इसलिए। और हमें मिला था एक USFP का बैग, एक नोटपैड, एक बैज और एक पेन। सो इट्स डे टू। टाइम क्या हुआ है? अराउंड 8:13 AM इन द मॉर्निंग, 22nd July, और हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं मैरियट होटल में, नादिया कैफ़े में, और ये है हमारा प्लेटर, और ये है मेरी रूममेट मरियम, और हमारे यू ग्रेड वाले भाई बैठे हैं सारे। अच्छा, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट था वो नादिया कैफ़े पे USFP की तरफ से था, तो हम कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, देयर वाज नो लिमिट। और हमारी जो सेकंड डे ओरिएंटेशन थी वो कोहिनूर हॉल में थी, और क्योंकि हमने पिक्चर्स लेनी थी अपनी, तो हम लोग जल्दी तैयार होके आ गए थे, और अब हम जा रहे हैं हॉल की तरफ। मैं थी और मेरे साथ मेरी रूममेट मरियम थी, और दोहा टू वॉशिंगटन भी मैं और मरियम साथ में ही फ्लाई करेंगे, हमारी सीट्स साथ में ही हैं। और ये था US का मैप जिसमें हमें अपनी लोकेशंस पिन करनी थी, और मैं और सुमेरा हैं जो आइडाहो स्टेट में प्लेस हुए हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी, और हमारे चीफ गेस्ट थे मिस्टर रेमन, जो हैं मिनिस्टर कौंसलर पब्लिक अफेयर्स, US एम्बेसी पाकिस्तान, और इंटरेस्टिंगली इन्होंने 10-11 साल नासा में भी सर्व किया है। ये थे मिस्टर पॉल, जो हमसे डिफरेंट डिस्कशंस कर रहे थे, एंड ही इज़ सच अ नाइस मैन। सो अभी चेकआउट टाइम हो गया है, हमें ब्रेक मिली है चेकआउट करने के लिए, लंच करने के लिए, और हमारी जो रीइंबर्समेंट थी और ट्रैवल अलाउंस था वो लेने के लिए। सो गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम, वंडरफुल। बस अभी हम लोग जाएंगे नीचे, चेकआउट करेंगे, लंच करेंगे, और उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट के अराइवल का टाइम है। जैसे ही वो आ जाएंगे, फिर हमारा एक सेशन होगा और ग्रुप फ़ोटो, और बाय बाय। अच्छा, फिर होटल से हम तीन लोगों ने साथ में करीम बुक करवा ली थी। मैंने जाना था मुजफ़्फ़राबाद, अफरा ने जाना था पिशावर, और उमेर ने जाना था मियांवाली, लेकिन हम सबको फैज़ाबाद से अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठना था, इसलिए हमने साथ में करीम बुक करवाई, और उसके बाद हम सब लोग घर चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।